हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिंकीज एंजल किचन। आज आप ये काफी डिफरेंट सा सेटअप देख रहे हो मेरे चैनल पर। आज अगर आपने अभी टाइटल पढ़ लिया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जर्नलिंग की बात करने वाली हूँ। मैं काफी टैरो रिलेटेड वीडियोस में ना आपको टिप्स देती रहती हूँ कि यार ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, राइट। तो वो टिप्स को ना मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाने की सीरीज चालू कर रही हूँ, जहां पर ये टिप्स को एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं उनके बारे में मैं आपको गाइडेंस दूंगी, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी। जैसे अगर आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकली वीडियो में आया होगा जर्नल जर्नल जर्नल, तो इस वीडियो में ना मैंने जर्नलिंग की टॉपिक को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि वो आपको गाइड करे, आपको अपने आप से जो कनेक्शन मैं चाहती हूँ, हमेशा मैं बोलती हूँ अपने आप से कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कनेक्शन आपको बिल्ड करने में ना मदद मिले, राइट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जर्नलिंग क्या होती है? जर्नलिंग एक तरीका होता है लिटरली अपने आप की जो एनर्जीज है, अपने आप के जो थॉट्स है, उसको सही ढंग से, सही तरीके से एक बुक और पेन पे निकालना। हमारा जो माइंड है ना, वो 10,000 थॉट्स में अकड़ा हुआ रहता है, जकड़ा हुआ रहता है। हमको वो थॉट्स को, चीजों को बुक और पेन में लिखने से ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। कई बारी आपका माइंड इतनी कॉम्प्लिकेटेड गेम्स आपके साथ खेलता है, आपको लगता है यार मैं करूं तो करूं क्या। जैसे आप जर्नलिंग करोगे ना, आप अपना माइंड, अपनी एनर्जीज को सिंप्लीफाई करते हो। आपको शुरू में लगेगा नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, बट जैसे आप इसे प्रोसेस से आगे बढ़ोगे, जैसे आप गो थ्रू करोगे ना, आपको समझ आएगी ये चीज इतनी ज्यादा मिरेकुलस है, ये चीजें इतनी ज्यादा आपको हेल्प करिए, इतना ज्यादा आपको बेनिफिट करिए, राइट। तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है। जर्नलिंग के काफी तरीके होते हैं, जिसके बारे में भी मैं ये वीडियो में बात करने वाली हूँ, बट सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी क्या करना है। बुक और पेन लेना है और बस अपनी एनर्जीज को लिखना चालू करना है, दिमाग में जो चल रहा है उसको बुक और पेन पे उतारना है, लिटरली एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आपकी आगे का जो डायरेक्शन है, आपका आगे का जो पाथ है, आपका जो आगे का पर्पस है, वो आप क्लैरिफाई करने लग जाओगे, वो आप सॉल्व करने लग जाओगे, वो आप सुलझाने लग जाओगे। तो अपनी जो जर्नी है ना, वो आप सिंप्लीफाई करोगे। जर्नलिंग से आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। अब जैसे मैंने बताया, जर्नलिंग के डिफरेंट तरीके होते हैं, राइट। डिपेंड्स ऑन आप कौन से पॉइंट पे खड़े हो अपनी लाइफ में और कौन सी तरीका आपको अपनाना जरूरी है, राइट। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास समझ लो यहाँ पे 3 या 4 बुक्स है, राइट। तो अब हर जर्नलिंग के लिए मैं एक सेपरेट जर्नल रखती हूँ। लेट से फॉर एग्जाम्पल, मुझे हर रोज रात को अपना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मुझे 5 या 10 ग्रेटिट्यूड्स एवरी डे लिखने हैं, राइट। तो मैं एक सेपरेट जर्नल रखती हूँ अपने बेड साइड टेबल पे, ताकि मैं सोने से पहले जो भी मेरे आज दिन के 5 या 10 ग्रेटिट्यूड्स है, मैं वो लिखूं। उसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है। स्टार्ट बाय सेइंग आई एम ग्रेटफुल फॉर माय गुड हेल्थ, आई एम ग्रेटफुल फॉर द लव दैट आई रिसीव फ्रॉम माय फैमिली, आई एम ग्रेटफुल फॉर द सपोर्ट दैट माय कलीग ऑफर्ड मी टुडे, आई एम ग्रेटफुल दैट यू नो आई वाज रिवॉर्डेड विद समथिंग एट वर्क टुडे। सो समवेयर जो भी आपके तरीके हैं, जो भी आपकी दिन की एनर्जी है, एटलीस्ट जो भी यू नो आपको नहीं समझ आ रहा कि यार मेरी लाइफ में आज कुछ ऐसा खास हुआ नहीं जिसके बारे में मैं जर्नल करूं, सिंपल एज द फूड दैट यू एट, सिंपल एज द क्लोथ दैट यू आर वेयरिंग। मतलब मैं बोल रही हूँ, आपको ऐसे लगेगा हाँ ये चीज पे क्या है, राइट। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल करने में, आपको पता चलेगा आपके पास इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं ऊपर वाले का शुक्राना करने। ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स अबंडेंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो स्टार्ट विथ योर ग्रेटिट्यूड जर्नी, जहां पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जर्नलिंग का एक लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एज इज फॉलोइंग योर ग्रेटिट्यूड्स, राइटिंग डाउन योर ग्रेटिट्यूड्स, राइट। अब जो दूसरा तरीका होता है, ये हमारी डेली जर्नल है, राइट। इसमें ना मैं अपनी डेली की एनर्जीज निकालती हूँ, लाइक हाउ वॉज माई डे, वॉट एम आई फीलिंग टूडे, कहीं मुझे कोई चीज किसी की बहुत बुरी लगी, कहीं मुझे किसी की चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गई, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, जो भी मेरी छोटी से छोटी चीज है ना, वो ये जर्नल में होती है। कहीं ना कहीं मैं इसमें अपनी जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वेंट आउट करती हूँ। ये लिटरली एक मेरी सेफ स्पेस है, ये मेरी एक पर्सनल डायरी है, जिसपे मैं जो भी मन में चल रहा है ना वो निकालती हूँ, ताकि एंड ऑफ द डे पे ना मुझे ऐसे लगे यार मैं कुछ भार लेके नहीं सो रही हूँ, मैंने सारा अपना जो
वेंटिंग बोलते हैं, जो सारी भड़ास बोलते हैं वो सारी निकाल दी. अब मुझे कोई चीज की चिंता नहीं है, कोई चीज मुझे बॉदर नहीं कर रही है, मुझे स्लीपलेस नाइट नहीं देगी, क्योंकि मैंने तो अपनी एनर्जी क्लीन कर ली है ना. ये एक क्लेंजिंग का भी तरीका है कि आप अपनी एनर्जी को क्लेंज करो. सिमिलरली आप एक जर्नल ले सकते हो, अपना डेली का टू डू लिस्ट लिख सकते हो कि आपको क्या क्या करना है आज के दिन में, आपके क्या क्या काम है. आप लिटरली अगर आप घर पे भी हो, आप हाउसवाइफ भी हो, ये सारी चीजें लिख कर करो. देखो आपकी एनर्जी में कैसे चेंज आता है, देखो आपकी एनर्जी कैसे प्रोडक्टिव हो जाती है. राइट, सो ट्राई टू वर्क इन सिमिलर मैनर, ऑलवेज ट्राई टू गो वेरी वेरी स्पेसिफिक. हमेशा हर चीज को बहुत स्पेसिफिक तरीके से करना है. जैसे वेंटिंग वाली जर्नल है, इतनी ज्यादा आपको एंड ऑफ द डे पे यार सुकून महसूस होगा, शांति महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा यार ये तो कुछ मिरेकल ही हुआ है मेरे साथ. सो समवेयर ट्राई टू वर्क विद दैट. अगर आप पर्सन हो लेट से कि आपको नहीं पता आपको क्या लिखना है, आपको नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, गो गूगल जर्नल प्रॉम्प्ट्स. कोई भी एक प्रॉम्प्ट, कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ गूगल से और उसके बारे में बैठ के आंसर करने लग जाओ. यू नो, इस तरीके से आप अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस भी पाओगे. आपको पता चलेगा कि आप इंसान कैसे हो, आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, आपकी क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है. तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो. यू नो, ये चीज के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, बट इतना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने बारे में सोचना, अपनी एनर्जीज को वो टाइम देना जो आपको शायद चाहिए इस वक्त. सो समवेयर जर्नलिंग हेल्प्स यू इन दैट जर्नी. आपकी जो सेंस ऑफ क्लैरिटी है ना, आपको ऐसे लगेगा यार मेरा आधा बैटल तो ना यहीं वन हो गया है. अब ठीक है, आधा मैं एक्शन लेके काम करूंगा, बट एटलीस्ट मुझे पता है मुझे क्या चाहिए लाइफ में, है ना. सो सिमिलरली जर्नलिंग की सारी जो भी आपकी एनर्जीज है ना, जो यहाँ चल रहा होता है वो लिटरली एक बुक और पेन में आ जाता है. अब जैसे एक और तरीका है जर्नलिंग का, जिसको हम कहते हैं बेस्ट वे ऑफ मैनिफेस्टेशन. राइट, यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो हमारी डिजाइन की हुई जर्नल है, बेसिकली एन एफर्मेशन जर्नल विच इज मैनिफेस्ट विद एफर्मेशंस. इसमें क्या है, एफर्मेशंस की मदद से आप अपनी लाइफ में हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो. बट आपको पता नहीं आपको कौन सी एफर्मेशन यूज करनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आपको अपनी जर्नी तक पहुंचाने के लिए कौन सा एफर्मेशन बेस्ट वर्क कर सकता है. तो मैंने ये जर्नल डिजाइन करी हुई है ऑलरेडी, जहां पर आपको ये दिमाग नहीं लगाना है, बस अपनी एनर्जीज को देना है, अपने आप को सरेंडर करना है और उसके प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज एक पेज हमने ओपन करा, जो भी ऊपर एफर्मेशन लिखा है वही आपको बस रिपीट करना है दोनों पेज पे, या चाहे एक पेज पे, डिपेंड करता है आप क्या फील कर रहे हो. अगर आप एक पेज एफर्मेशन के लिए यूज करते हो तो एक पेज आप बेसिकली अपना डे का टू डू लिस्ट लिख सकते हो, अपनी जो मन की एनर्जीज है, वेंटिंग, वो सारा लिख सकते हो. डिपेंड्स ऑन आप क्या फील करो, कैसे फील करो. सो सिमिलरली हर एक चीज का एक तरीका होता है, आप वो तरीके को फॉलो करो, उस पे ट्रस्ट करो, सरेंडर करो और जर्नलिंग करो. जर्नलिंग में काफी और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, काफी मैं आगे वीडियोस भी बनाने वाली हूँ जहां पर मैं आपको बोलूंगी कम सिट एंड जर्नल विथ मी. मैं लिटरली आपको बोलूंगी कि आप बुक और पेन लेके बैठो, आज मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे जर्नल करते हैं. तो काफी सारा हमने वैसे कंटेंट भी आ रहा है, बट मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए. तो आप मुझे कमेंट्स में आके बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कि हम शुड वी जस्ट स्टिक टू टैरो रिलेटेड वीडियोस, कि आपको अपनी जर्नी में आगे ग्रो करना है. मल्टीपल टाइप्स के वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं, मैनिफेस्टेशन हो गया, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ ग्रोथ हो गई, स्पिरिचुअल कॉन्टेंट हो गया, तो वो सारी चीजें आप मुझे डेफिनेटली बताइए कॉमेंट्स में. उसमें भी मैं काम करके आपको मोटिवेट ही करूंगी और बताऊंगी कि आगे आगे आप कैसे कैसे अपनी एनर्जीज को ओपन करना है टू रिसीविंग. तो आज का जो वीडियो था ये सिर्फ जर्नलिंग के बेसिक्स थे, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है और कैसे स्टार्ट करना है अपनी जर्नी, वो अभी आप यहां से टेक ओवर कर लो और अपनी एनर्जीज को संभालो, समझो और वो जर्नल करो. देखो आपकी एनर्जीज में कैसे सुधार आता है, आपके एक्शन प्लान में आप चेंज देखोगे, आपको डिफरेंस लगेगा. जैसे ही आप दिन का टू डू लिस्ट बना रहे हो और आप बिना टू डू के काम कर रहे हो, देखना कितना चेंज आता है, कितनी प्रोडक्टिव आपकी एनर्जीज हो जाती है. सो आप थोड़ा सा एफर्ट अपने एंड से भी लीजिए और जर्नलिंग को थोड़ा सा फोकस कीजिए. जर्नलिंग के बारे में और वीडियोज भी आएंगे चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. I really hope you liked a different sort of a content here on the channel. Looking forward in my next video. Bye. Have a wonderful week ahead.